बता दो प्रॉब्लम क्या है। कुछ नहीं। ओके रुको तो सही, मुझसे शेयर करो प्रॉब्लम क्या है, मेरी वजह से परेशान हूँ। नहीं तुम्हारी वजह से। तो फिर बस कुछ बिजनेस की बातें, तुम्हें बोर नहीं करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मगर कुछ तो बातें शेयर करो ना मेरे साथ। सुनना ही चाहती हो तो सुनो। आजकल बिजनेस के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, हर बड़ा टेंडर हाथ से निकलता जा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आई डोंट नो कि ये बिजनेस वाइंड अप ही करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे आप? ये तो बात की बात है, जब ऐसा वक्त आएगा तब सोचेंगे। अगर आप कहें तो मैं पापा से आपकी हेल्प की बात करूं? नो थैंक यू, मुझे पता है कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन मुझे किसी से कोई एहसान लेने का शौक नहीं। लुक अजान, ये कोई एहसान नहीं। देखो पाकिस्तान में तो मेरा कोई दोस्त नहीं, सिर्फ तुम ही तो, और वैसे भी दोस्तों में ये एहसान वेहसान नहीं होता। ओके नहीं भैया, इस मामले में तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मुझे खुद ही अपने बिजनेस को संभालना होगा अपने बल। ओके एज यू विश, थैंक यू फॉर द लिफ्ट, बाय बाय। समझता क्या है ये खुद को? फ्लर्ट करने का इधर मुझे बेवकूफ बना रहे, उधर अभिनव को। लेकिन जब वो अभिला के साथ होता है तो ऐसा क्यों लगता है जैसे वो उसके साथ खुश ना हो, उससे जबरदस्ती रह रहा हो? उसके ऊपर लाचारगी क्यों होती है? जैसे वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? वो इसे झिड़क क्यों नहीं देता? आखिर उसे एहसास क्यों नहीं होता इस बात का कि उसके इस तरह करने से मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी? किस पे इतना गुस्सा निकाल रही थी? छुप के किसी की तो लेना बुरी बात होती है, आपने ही बताया था ना मुझे, ना मैं छुप कर सुन रही थी ना मैं किसी बात का टोल ले रही थी। अगर मेरे आने का तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ तो इसका यह मतलब है कि तुम जहनी तौर पे यहाँ मौजूद ही नहीं हो। वैसे किस पे निकाल रही थी इतना गुस्सा, उसका नाम बताओ मुझे। ओ मम्मी आप भी ना, बात पूछ ही नहीं सकती मैं इससे। मैंने उससे बात की, कल भी मेरी फोन पे बात हुई थी। ठीक है मैं करूंगा बात। हाँ चलो फिर बात करेंगे। ओके थैंक यू। हाय पापा। हाय हाय, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। ये जिंदगी जो है ना बेटा, ये एक बार मिलती है, और इंसान वही है कि इस दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी करके यहाँ से कूच कर जाए। पता नहीं कि इस दुनिया में मिलता है कुछ कि नहीं मिलता। पापा याद है एक बार हम डिज्नीलैंड गए थे जब मैं छोटी सी थी, इतनी सी थी छोटी सी। और मुझे वहाँ पर बार्बी कॉस्ट्यूम अच्छा लगा था। हाँ और उसके लिए मुझे याद है कि मेरी शहजादी कितनी रोई थी। हाँ मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसको हासिल भी करना चाहती हूँ। लेकिन वो कॉस्ट्यूम वो डिज्नीलैंड वाले बेचने ही नहीं चाह रहे थे। हाँ बट आई लव यू सो मच पापा, आपने पता नहीं कैसे किस तरह मुझे दिलवा दिया। अपनी प्यारी सी बेटी के लिए किसी चीज की कीमत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बस तुम अपनी पसंद बताओ, पापा तुम्हारे सामने ढेर लगा देगा। लगता है मेरी बच्ची को फिर कोई चीज पसंद आ गई। अरे उस पतंग का कोई नाम तो होगा, बताओ। अजान? यस पापा, एंड आई लव हिम। जानती हो वो कौन है? वो मेरे दुश्मन तैमूर का बेटा है। पापा वो अजान है और मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। प्लीज इस बार अपनी फरमाइश बदल दो, ये नहीं हो सकता।
पापा ये आप कह रहे हो? आपको पता है कि अगर मुझे मेरी पसंद की चीज ना मिले तो मैं क्या करती हूँ? तुम पापा को ब्लैकमेल करना चाहती? नहीं, मैं अपने पापा की मोहब्बत को और आजमा रही हूँ। प्लीज पापा। लव या जिद? दोनों। प्लीज पापा। तो फिर समझो कि आजान तुम्हारा हो गया है। वाओ, यू आर ग्रेट पापा। मगर मुझे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। तुम वाकई कछुए के कछुए ही रहोगे।